बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग यूनिट नंबर 11 को आगे प्रोसीड करेंगे। यूनिट 11 है आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मैं हूँ आप लोगों की टीचर खैरुन्निसा। हम लोगों को इतना तो पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सारे कंपाउंड्स हैं वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो आप लोगों के पास कार्बन एटम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सो द कार्बन एटम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक भी है, दैट इज़ यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना हाथ है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग अपना बुक पेज 62 निकाल लें, आपके पास उसमें टॉपिक है 11.3, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं, फूड वगैरह हो गया है, हम जो पहन रहे हैं क्लॉथ्स हो गए हैं, या उसके अलावा हम जो मेडिसिंस ले रहे हैं, या कोई बड़ी इंडस्ट्रियल चीज़ें हो गई, फैब्रिक्स हमारे कपड़े जो हो गए हैं, डाइंग मटेरियल्स हो गई हैं, कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं, तो ये सारे के सारे आप लोगों के पास हमारे आजकल के रूटीन में आ चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका डेली रूटीन में जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हम लोग डिपेंडेंसी हमारी क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हो रही है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे लाइफस्टाइल जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसी तरह पे 63 और पे 64 पे भी इसका आगे प्रोसीड हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास एज अ फूड कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो आपके पास फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, वाइटमिन्स हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सब के सब आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। मीन इसमें आप लोगों के पास कार्बन और उसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। मीन दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बना होता है, फैट्स आपके पास फैटी एसिड से बने होते हैं। तो ये फैटी एसिड्स और साथ में अमाइनो एसिड्स, ये आप लोगों के पास एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अब हम लोग आएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गई हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर है, क्योंकि इनमें जितने भी सब्सटेंसेस इस्तेमाल होती हैं या जो एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो आप लोगों के पास क्या है, कार्बन है, और कार्बन के साथ और एटम्स अटैच होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज वगैरह से मिलके बने होते हैं। दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ दैट ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स, ये सारे जितने भी हैं ये आप लोगों के पास डेराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो कि एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। और इसको अगर हम लोग डेली रूटीन में ना लें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जितने भी ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए वाइटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की, वो सारे के सारे डिफिशेंसी आ जाएगी। अब जी, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग्स। अब आप लोगों के पास हमारे टेक्सटाइल में और डेली रूटीन में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कपड़े वगैरह, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत हाथ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब जो कॉटन हो गए हैं या उसके अलावा आप लोगों के पास सिल्क हो गया है, ये सारे के सारे एक्चुअली आपके पास फाइबर्स हैं, लेकिन फाइबर्स में भी कौन से फाइबर्स हैं, ये आप लोगों के पास नेचुरल फाइबर्स हैं। ये क्लोथिंग जितने भी हम लोग करते हैं डेली रूटीन में, तो वो आप लोगों के पास फाइबर से बने होते हैं, और वो वाले फाइबर्स आप लोगों के पास या तो नेचुरल फाइबर्स होंगे या फिर आप लोगों के पास वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में आप लोगों के पास जो आते हैं उसमें कॉटन है, सिल्क है और वूल है। अब यहाँ पर जो पिक्चर बताई गई है, ये आप लोगों के पास कॉटन है। अगला आप लोग देखें तो ये नेचुरल फाइबर्स के लिए मैंने शो किया हुआ है, और साथ में ये देखें तो ये वूल की पिक्चर है। ये आप लोगों के पास क्या है, नेचुरल फाइबर्स है। अब अगर आ जाए सिंथेटिक फाइबर्स पे, तो सिंथेटिक फाइबर्स में आप लोगों के पास क्या क्या आता है, नायलॉन आता है, पॉलिएस्टर आते हैं, उसके अलावा एक्रेलिक आते हैं।
अब ये पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो जैकेट बनी हुई है ये किस चीज़ से बनी हुई है, नायलॉन से बनी हुई है। नायलॉन आप लोगों के पास क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, कार्बन से बना होता है। अब दूसरा जो चीज़ है दैट इज़ पॉलिएस्टर्स। पॉलिएस्टर्स आप लोगों के पास आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी ये ब्लैंकेट्स वगैरह है एक तो उसके लिहाज से इस्तेमाल में होते हैं, या फिर उसके अलावा जितने भी स्पॉन्जी जैकेट्स वगैरह है उसमें भी आपके पास पॉलिएस्टर यूज़ होता है। एंड पॉलिएस्टर इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़, ऑर्गेनिक इन नेचर। अब यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज मेडिसिन, वो आपके पास क्या है, तो मेडिसिन में आप लोग देखें तो जितने भी डेली रूटीन में आजकल लोग बीमार हो रहे हैं और उसके जो मेडिसिन बन रहे हैं, तो वो मेडिसिन आप लोगों के पास एक्चुअली ऑर्गेनिक इन नेचर ही होते हैं। अब यही नेचुरली सिंथेसाइज जितने भी आपके पास मेडिसिन होते हैं, या अगर हम लोग प्लांट से ले लें या फिर उसके अलावा हम लोग उसके रूट से ले लें, तो आप लोगों के पास उसी को हम लोग फिर सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबॉरेटरीज में। ये जितने भी ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं ये आप लोगों के पास लाइफ सेविंग होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एंटीबायोटिक हो गया है तो ये आप लोगों के पास बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करता है, ये भी आपके पास ऑर्गेनिक इन नेचर है। आगे जाए तो आगे आप लोगों के पास एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन से आप लोगों को रिलीफ हासिल होती है, तो वो भी आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर है। अगला देखें तो अगला आप लोगों के पास है एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल आप लोगों के पास जब कभी भी मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के ख़िलाफ़ काम करने वाले जितने भी टैबलेट्स हैं उसको हम लोग एंटी मलेरियल कहते हैं, और एंटी मलेरियल ड्रग्स जितने भी हैं वो आप लोगों के पास क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो ये जितने भी अभी मैंने आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताया, लेट सपोज आपके पास एंटीबॉडीज हो गई हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गए हैं, और इसके अलावा एंटी मलेरियल जितने भी हैं ये आपके पास आर्टिफिशियली सिंथेसाइज इन लेबॉरेटरी होते हैं, एंड दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अब दूसरा अगला जो आप लोगों के पास है कि यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए फ्यूल आप लोगों के पास कैसा है, तो ये तो बहुत अच्छे से सबको पता होगा कि जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, घर में खाना पक रहा है, ये वैसे नहीं पक रहा, आप लोगों के पास इसके लिए मीथेन गैस का होना ज़रूरी है, बाहर गाड़ियों के लिए पेट्रोल और उसके अलावा डीजल वगैरह, केरोसिन ऑयल, ये भी जितने भी हैवी लॉरीज वगैरह है उनके लिए ज़रूरी होता है। तो ये जितने भी आप लोगों के पास फ्यूल्स हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, सारे के सारे कार्बन से बने होते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखें फ्यूल में पेट्रोल गैस को, तो वो आप लोगों के पास कहाँ पे इस्तेमाल होता है, या आप लोगों के पास मीथेन गैसेस जो है वो आप लोगों के पास कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मीथेन गैस को हम लोग क्या नाम ले सकते हैं, पेट्रोल गैसेस भी कहते हैं। सो इट इज़ यूज फॉर हाउस कुकिंग गैस। उससे अगला आप लोगों के पास है गैसोलीन है। गैसोलीन आप लोगों के पास कहाँ पे यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज़ नेफ्था। नेफ्था इज़ यूज टू सिंथेसाइज डिफरेंट पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत वाइडली यूज़ है। केरोसिन ऑयल जो है, केरोसिन ऑयल आप लोगों के पास यूज एज फ्यूल फॉर जेट इंजन एंड ऑयल स्टव। जेट इंजन में आप लोगों के पास केरोसिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगला जो आप लोगों के पास है डीजल ऑयल है। डीजल ऑयल भी आपके पास फ्यूल है जो कि किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, हेवी व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल बसेस हो गई हैं, लॉरीज हो गए हैं, तो उसमें ये लोग डीजल ऑयल को इस्तेमाल करते हैं जो कि एक फ्यूल है और ऑर्गेनिक इन नेचर है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल आ गया, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम लोग लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इससे हम लोग पॉलिश भी बना सकते हैं, वैक्सीज भी इससे बना सकते हैं। अब फ्यूल ऑयल की बात करें तो फ्यूल ऑयल इज़ यूज फॉर शिप, उसके लिए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जितने भी पावर स्टेशंस हैं वहाँ पे फ्यूल ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके अलावा जितना भी ये आप लोगों के पास फ्यूल के जितने चीज़ें हैं इनको डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत वाइडली इस्तेमाल होते हैं, और इवन इसके रेजिड्यू अगर रह जाए तो उसको भी हम लोग ये रोड सर्फिसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आप लोगों के पास है कि यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज केमिकल मटेरियल। अब आप लोगों के पास कौन कौन से केमिकल मटेरियल है जो कि आप हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो फर्टिलाइजर्स जितने भी हैं, ये यूरियाज वगैरह, ये आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर है।
पहले ही वाजे हो चुका है कि यूरिया जितने भी हम लोग प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उनकी नरिशमेंट उससे होती है, और वो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, सी डबल बॉन्ड ओ विद टू अमाइन ग्रुप्स। अब अगला जो है पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आप लोगों के पास पेस्ट को किल करने के लिए स्प्रे की जाती है जितने भी क्रॉप्स वगैरह हैं ताकि वो उससे बच सकें। तो पेस्टिसाइड्स आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। सो इंसेक्टिसाइड्स आर यूज टू किल इंसेक्ट्स, ये आप लोगों के पास इस्तेमाल होते हैं क्रॉप्स में जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो उसके लिए हार्म होते हैं, तो उसको किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। और इंसेक्टिसाइड्स भी आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर है जी। पेंट्स को देख लें, पेंट्स आप लोगों के पास डिफरेंट कलर्स के हैं। ये वाले पेंट्स आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। शुरू में ही मैंने कह दिया था कि जितने भी डाइंग मटेरियल्स होते हैं वो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, वो सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग होते हैं जी। अब अगर डिटर्जेंट्स की बारी आ जाए तो हमारे घरों में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं, और ये सारे के सारे डिटर्जेंट्स आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। चाहे वो आप लोगों के पास सर्फ वगैरह हो, या उसके अलावा हमारे पास डिश वॉश बार हो गए हैं, ये जितने भी फ्लोर्स वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के पास डिटर्जेंट्स ऑर्गेनिक इन नेचर है। ये सारे जितने भी डिटर्जेंट्स हैं इसमें कार्बन मौजूद होता है। उसके अलावा अगर हम लोग घरों में देखें तो जितने भी कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया है, ये सारा कुछ भी आप लोगों के पास क्या होता है, ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। अब अगर फाइबर्स को देखें तो फाइबर्स भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, और ये सब भी आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इंक एंड पेपर, पेपर और इंक आप लोगों के पास, इंक तो है वो कलरिंग पिगमेंट है तो वो ऑर्गेनिक ही हुआ, और पेपर आप लोगों के पास बनता है जितने भी सेलुलोज वगैरह है, तो सेलुलोज आप लोगों के पास एक्चुअली क्या होता है, सेलुलोज आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। दैट इज़ द डिराइवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स का डिराइवेटिव होता है। अच्छा जी, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स में आप लोगों के पास लिपिड्स टाइप यूज़ होते हैं, वैक्सेस वगैरह जितने भी हैं, और ये वैक्सेस आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, एंड दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताती चलूँ। आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है रबर को, रबर भी आप लोगों के पास ऑर्गेनिक इन नेचर है, और उसके अलावा जितने भी और थे वो सारे डिस्कस हो गए। फॉर एग्जांपल पेपर, इंक, प्लास्टिक फाइबर्स हो गए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स, ये आपकी बुक में डिस्कस थे, ये हमने यहाँ पे भी करने, ये सारे आप लोगों के पास क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। अब अगर अगला देखें तो यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज लाइव मॉलिक्यूल्स। अब लाइव मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, आप लोगों के पास थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन आवर डेली फंक्शंस, जिसमें हमारे बॉडी के फंक्शंस में बहुत ज़्यादा टेक पार्ट करता है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास फोर मेजर ग्रुप्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। एक आप लोगों के पास है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा आप लोगों के पास है प्रोटीन्स, फिर है लिपिड्स या फैट्स हो गए हैं, और इसके अलावा आप लोगों के पास न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए एंड आरएनए आते हैं। ये सारे के सारे आप लोगों के पास कंबाइन हो जाए तो ये आप लोगों के पास सेल्स बनाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में काम आते हैं। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं दैट दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लाइव मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दीज फोर मेजर मॉलिक्यूल्स आर टू मच नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फंक्शंस। चले जी, ये था आज का हमारा यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। इफ़ इन केस आपको लगता है कि कुछ यूजेस मुझसे मिस हो गई हैं, आपको पता है, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।